नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों के उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, लगातार शिक्षक साथियों का कहना होता है कि उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर कितने पदों पर शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार मिलने वाला है, इसकी आंकड़ों बार जानकारी साझा की जाए। तो साथियों, हमने शिक्षकों के लिए प्रयास किया है कि राज्य स्तर पर कितने पदों पर शिक्षकों को उच्च पद प्रभार विषयवार मिलने वाला है, वो सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में आपके जिले में आपके विषय के कितने पदों पर उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा, वो आंकड़े भी हम लेकर आएंगे। अब ये जो सीरीज है वह लगातार चलने वाली है, इसलिए यदि आप भी उच्च पद प्रभार की श्रेणी में आते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े आपके जिले के आपके विषय के आप पाना चाहते हैं, तो बिना देरी किए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, आज जो हम आंकड़े आपके बीच रखने वाले हैं वो माध्यमिक शिक्षकों के होंगे, और माध्यमिक शिक्षकों के राज्य स्तर पर कितने पदों पर उच्च पद प्रभार होने वाला है, प्रत्येक विषय का जो आंकड़ा है वह क्या रहने वाला है, साथ ही साथ प्रत्येक जिले में कितने कुछ पद औसतन हमें मिल सकते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, यदि हम माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो पदोन्नति या उच्च पद प्रभार के लिए माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 30,000 पदों पर उच्च पद के प्रभार दिए जाएंगे। जी हां साथियों, लगभग 30,000 पदों पर उच्च पद का प्रभार शिक्षकों को मिलने वाला है, जो कि प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट किए जाएंगे। अब यदि हम विषयवार आंकड़े देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय की यदि हम देखें तो ओवरऑल राज्य में 2,000 पदों तक उच्च पद का प्रभार हिंदी विषय के शिक्षक साथियों को दिया जा सकता है। वहीं यदि बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी का आंकड़ा काफी बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में अंग्रेजी के पद रिक्त हैं। तो ऐसे में जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं, जो जानकारी हमने जुटाई है, उसके आधार पर यदि हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 11,000 अंग्रेजी के पद उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने हैं। अगले क्रम में यदि बात करें गणित सब्जेक्ट की, तो गणित की स्थिति भी हमें काफी अच्छी बनती दिख रही है। गणित में यदि हम देखें तो लगभग 9,000 पद उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से भरे जाएंगे। बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान के कुल 2,500 पद ओवरऑल मध्य प्रदेश में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से भरे जाएंगे। बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान की स्थिति सबसे कमजोर यहां पर है, कुल 1,000 पद ही, जो कि संभावना मात्र है, 1,000 पद विज्ञान के उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे। बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत के लगभग 3,000 पद उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से भरे जाने हैं। जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं वो एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं संभावित आंकड़े हैं, इनमें कम या ज्यादा हो सकता है, हालांकि इनमें आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम औसत प्रत्येक जिले का विषयवार आंकड़े देखें तो हिंदी में एक जिले में लगभग 38 पद निकल कर आते हैं, हालांकि हम जिलेवार अलग से एक्यूरेट आंकड़े आपके साथ साझा करेंगे, ये एक औसत आंकड़े हैं। वहीं यदि अंग्रेजी की बात करें तो लगभग 200 पद प्रत्येक जिले में अंग्रेजी के उच्च पद प्रभार के जरिए भरे जाएंगे। गणित की यदि बात करें तो लगभग 160 से 170 पद प्रत्येक जिले में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से भरे जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लगभग 50 पद प्रत्येक जिले में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से भरे जा सकते हैं। विज्ञान के लगभग 20 पद प्रत्येक जिले में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से भरे जा सकते हैं। और वहीं बात करें संस्कृत की, तो 50 से 60 पदों के बीच में प्रत्येक जिले में शिक्षकों को संस्कृत विषय से उच्च पद प्रभार दिया जा सकता है। ये औसत आंकड़े हैं, जो आंकड़े हमने आपको ओवरऑल स्टेट के बताए थे उनके आधार पर ही हमने औसत आंकड़े प्रत्येक जिले के निकाले हैं। इस तरीके से हम जिलेवार सटीक आंकड़े भी एक सीरीज आपके बीच लेकर आने वाले हैं, जैसा कि हमने शिक्षक साथियों के साथ वादा किया था। तो हम यहाँ सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जिले और अपने विषय के सटीक आंकड़े आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।